जय श्री शंभू, नमस्कार। आज अभी जिस टॉपिक्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा पश्चिम बंगाल का जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोजेक्ट हेड है वो है आजीजुल हक, जो हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारा 5 प्रोजेक्ट रनिंग है, उसके साथ साथ जल्दी 2-3 प्रोजेक्ट और रनिंग हो जाएगा। तो एक एक करके मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। पहला जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का धूपगुड़ी ब्लॉक का अंडर आता है, जिस जगह का सबसे नियरेस्ट जगह जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका जगह का नाम है डालकुमारी मार्केट या डालकुमारी बाजार जो बोलते हैं उसके, और उस जीपी को नाम है पूर्व डालकुमारी और गांव का भी नाम है पूर्व डालकुमारी। यहाँ पे हमारा 4 एकड़ के जमीन में है, इसमें हमारा बैर पेड़ है कम से कम 1.5 एकड़ जमीन में, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो लाख होता है लाख कल्टिवेशन इसमें होता है। इसके छोड़ के फिर कम से कम 1.5 एकड़ के आसपास जो जमीन पड़ा हुआ है उसमें हमारा कंपोजिट एग्रीकल्चर फार्मिंग इससे पहले होता था, लेकिन अभी इसमें हम लोग हर्बल के ऊपर उसको कन्वर्ट कर दिया है। विद इन 15 डेज ये प्रोजेक्ट में लाख का साथ साथ हर्बल के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जगह पे जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है, दूसरा जगह पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक जो है, जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक में जो है उसमें बड़ो पाटिया ग्राम पंचायत का अंदर जो है रंगामली गांव में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 4 एकड़ जमीन में हमारा जो सीडलेस पाती नींबू होता है, ये सीडलेस पाती नींबू का प्रोजेक्ट हमारा है, उसका अंदर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत कंपोजिट एग्रीकल्चर फार्मिंग होता था। उसमें हम लोग आधा आधा कर लेंगे, जो सीडलेस पाती नींबू का पेड़ है उसमें तो एक गैप होता है 10 से 11 फीट गैप है लंबाई में चौड़े में, उसको गैपिंग में हो रहा था। हाल ही में हम लोग उसके हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे उसको भी हम लोग हर्बल में उसको कन्वर्ट कर दिया, वो भी जब 15 दिन के बाद वहां पे शुरू हो जाएगा डालकुमारी में, उसके साथ साथ ये भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो काम देखते हैं पहला इसमें जो इंचार्ज के तहत है उसका नाम है किरण रॉय, और उसको जो जो हेल्प करता है उसको नाम है दुलाल रॉय एंड हिरंबो रॉय, ये दोनों यहाँ पे इसके साथ साथ वो हेल्प करता है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रांति ब्लॉक में है, क्रांति ब्लॉक में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो जो हेल्प करता है वो है अब्दुल कुद्दूस और विश्वजीत रॉय। यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है उत्तर माटी डाली, इस गांव में हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है, लाटागुड़ी जीपी का अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 1 एकड़ जमीन में हमारा इसमें फुल कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ नैनोबोबल टेक्नोलॉजी में जो हमारा अभी ट्रेनिंग करके आया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसके बारे में मैं इससे पहले ही बोल चुके थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NSDC के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रहा वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ ट्रेनर बन के आया है, एज ए ट्रेनिंग हिसाब से गए थे, उसी को लेके हमारा यहाँ पे नैनोबोबल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा सिंगी मछली के ऊपर, तो ये हमारा प्रोजेक्ट में रहेगा। इसके साथ साथ कुछ जमीन जो है उसमें हमारा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए है, और कुछ रहेगा उसमें हमारा कंपोजिट एग्रीकल्चर फंड में छोटा मोड में रखेंगे उसको, और नया नया जो आएगा उसको पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से करेंगे। चौथे जो प्रोजेक्ट है हमारा वो है हमारा अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मेजबिल बोल के एक जगह है, यहाँ पे हमारा 1.5 एकड़ जमीन है जिसमें हमारा फुल्ली कंपोजिट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा वो पे है, और ये जीपी का नाम है कटहलगुड़ी। तो इस पंचायत में अंडर में जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फुल बेस्ड फुल्ली एकदम कंपोजिट एग्रीकल्चर फार्मिंग का ही है, उसमें भी हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट करने जा रहे हो हर्बल के ऊपर, क्योंकि हर्बल के ऊपर ध्यान इसीलिए हमारा डॉक्टर दे रहा कि आज के डेट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो हर्बल का जो डायरेक्टर जो आ चुका है जिसका नाम है गौर चंद्र दास, जिन्होंने काफी सालों से लगभग 40 सालों से ज्यादा उन्होंने इस सेक्टर में काम किया है। 2 से 2.5 महीने पहले ही उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, उसका जो प्रोजेक्ट है उसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन टाइप कर लिया है, और उन्होंने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उन्होंने इसको हमको उन्होंने ही आगे ले जाएगा। और पांचवा जो और एक प्रोजेक्ट है वो हमारा धूपगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, वो धूपगुड़ी ब्लॉक में है, डिस्ट्रिक्ट नहीं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है वो धूपगुड़ी में, ये तालाब के ऊपर है,
यहाँ पे हमारा कम से कम ऑलरेडी जो ले चुका है वो 4 एकड़ तालाब हमारा पास ऑलरेडी आ चुका है, जल्दी और 3 से 4 एकड़ तालाब हमारा पास आने जा रहा है, वो भी उम्मीद है आज लगभग लगभग 5 to 6 days में वो आ जाएगा। इसमें हमारा जो ट्रेनिंग करके आया है जिसमें एक प्रोजेक्ट है मछली के साथ बतख, ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये टोटल प्रोजेक्ट का सारी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोजेक्ट चल रहा है एक बहुत बड़ा पार्ट में वो अजीजुलदा ही इसको सारी हेल्प करता है, और अजीजुलदा का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके जो है जो इनको हर टाइम हेल्प करता है, जिसका एक एक का नाम है भवो तरुण रॉय जिसको बाबरुदा बोलता है, बाबरुदा बोल के भी उनको हम लोग जानता है। उसके बाद है संजीत कुमार रॉय, उसके साथ साथ है विमल कुमार, प्रदीप रॉय, रणजीत अधिकारी एंड चानू इशला, ये सारे ही आयुर्वेदा के साथ हर टाइम जुड़े रह के सारी प्रोजेक्ट को देखरेख करता है, और कुछ कुछ टाइम ऑफिशियल पार्ट में जो भी है उसको भी ये लोग मदद करता है। तो इसी हिसाब से हमारा आज जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो था ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। जय श्री शंभु, नमस्कार।